फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ सीरीज जो रक्षाबंधन की करूंगी, उसमें तीन मिठाई और तीन थाली दिखाऊंगी। तो मैं दो मिठाई कलाकंद और बेसन के लड्डू की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। तो आज मैं चमचम की कर रही हूं। तो चमचम के लिए हमें दूधी चाहिए होता है, तो मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए। तो ये 1 लीटर है, ये काऊ मिल्क है जिसको मैं उबाल रही हूँ। तो ये वाला जो दूध है, इसको हमें पनीर मतलब फाड़ना है, तो इसको हम उबालेंगे। और ये वाला जो है, इससे हम खोया बनाएंगे, क्योंकि जो मैं मावा या खोया बीच में फिलिंग करूंगी, वो भी मैं घर में बना रही हूँ। तो इसको हमें सिम आंच पे काढ़ना है खूब। तो इसके लिए हमें थिक बॉटम वाला बर्तन चाहिए। दो ये भी थिक बॉटम वाला है, बट स्टिल इसके लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखिए कि थिक बॉटम वाला है। जो ये वाला है जिसका हम मेवा बनाएंगे, उसको आप बारी बारी हिलाते रहिए कि वो नीचे ना लगे। और ये जब इसको उबाला आएगा, तो हम इसमें नींबू या विनेगर कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब जब दूध में उबाला आ गया, तो हम गैस बंद करके इसमें नींबू डालेंगे। अब जब दूध कडल हो गया है या पनीर सेपरेट हो गया और वे सेपरेट हो गया, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब जब मैंने पनीर को अच्छे ड्रेन, जो वे था उसको ड्रेन कर दिया और पनीर को सेपरेट कर लिया, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि हमने नींबू डाला था तो जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। तो अब मैं इसको कपड़े में लपेट के रख दूंगी फॉर अबाउट 1 आवर, कि जो भी इसमें पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसको इसमें डाल के यहाँ पे टांग दिया है कि जो भी इसमें पानी है वो निकल जाए। जो ये दूध है, आप देखिए, ये जब आधा हो गया है, तो हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसमें अराउंड 3 टेबलस्पून चीनी डाल दी है, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक खिलाएंगे जब तक शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स ना हो। अब आप देखिए, ये जो हमारा है, ये ऐसे हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। अब जो हमने खोया बनाया है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा केसर लिया है, 5-6 स्ट्रिंग, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, ये करछी भर के दूध, गरम दूध। हम इसको हिलाएंगे कि जब इसमें केसर अपना रंग छोड़ देगा, फिर हम ये उसमें डालेंगे जो हमने ये खोया बनाया। अब वो जो केसर का दूध था, मैंने उसमें खोया डाल दिया है। अब मैंने कुकर में 1 लीटर पानी लिया, मैं इसको उबालने रखूंगी। अब जब पानी उबल गया, तो हम इसमें चीनी और 2 इलायची डाल। मैंने अराउंड 3.5 टेबलस्पून चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और 2 इलायची के सिर्फ दाने डाले हैं, जो बाहर का छिलका था उनको अलग कर दिया है। अब मैं इसको उबलने दूंगी जब तक ये शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। और जो हमने पनीर बनाया था, मैं बताती हूँ उसका हम क्या करें। अब ये जो पनीर है, हम इसको मलेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये कैसे टूट रहा है। हमें इसको इतना सॉफ्ट मल के करना है कि ये आपस में स्टिक होने लगे। हम इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, मैदा वगैरह, बट खाली पनीर से ही जो चमचम का बाहर का है वो बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको काफ़ी अराउंड 15-20-30 मिनट, डिपेंडिंग कि किसी का 15 मिनट में वो अच्छे से हो जाएगा बाइंड, किसी का जब आपका पनीर क्रैक होना बंद हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो हो गया है। मैं आपको मल के दिखाऊँ। अब जब हम इसको मलेंगे, तो आप देखिए, जो हमारा ये हाथ का पीछे का है, हम उससे इसको ऐसे करके मल रहे हैं। पहले आपको सारे को मलना है, देन सारे को वापस लेके आना है। अब आप देखिए, ये जो मेरा पनीर है, ये कितना सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है।
हमें इस टेक्सचर का चाहिए। मैं आपको ये रोल करके दिखाती हूँ, देख रहे हमें ऐसा चाहिए। अब हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे, क्योंकि हम चमचम बना रहे हैं तो वो लंबा होएगा। तो अब आप देखिए, मैंने ये 7 चमचम के रोल्स बना लिए, और ये जो पानी है इसमें हमारी चीनी घुल गई है। अब इसमें जब उबाला आ जाएगा तो मैं ये इसमें डाल के कुकर को ढक के एक विसल दिलाएंगे, एंड देन उसके बाद गैस को सिम करके 30-40 मिनट्स हम स्टीम गैस में से पकने देंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसे स्टीम करेंगे जब तक विसल आएगी, फिर उसके बाद 40 मिनट्स हम इसे सिम गैस पे होने दें। अब कुकर को विसल आने लगी है, और अब 40 मिनट्स तक इसको होने दो। अब जब कुकर की स्टीम निकल गई, अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। मैं इसको निकाल दूंगी, नॉर्मल पानी लूंगी एक पॉट में और उसमें मैं ये निकाल लूंगी। अब मैंने इसको नॉर्मल पानी में डाल दिया है, थोड़ी देर मैं इसमें रखूंगी, देन आफ्टर 10 मिनट्स मैं निकाल दूंगी इसको, और ये जो चीनी वाला पानी है इसी में मैं डाल दूंगी। अब ये मुझे इसमें डाले हुए 10 मिनट हो गए, मैं इसका पानी निकाल के ऐसे इसको एक बारी फिर से इसमें डालूंगी, जो ये चीनी वाले पानी की चाशनी है सारे। फिर इसमें कट लगा के इसमें वो जो मेवा बनाया है, मावा बनाया है, वो भरेंगे, एंड देन इट विल बी रेडी टू बी सर्व। अब इसमें हम 10-15 मिनट्स डाल के रख देंगे। अब ये मैंने चाशनी से निकाल दिए और जो इसमें पानी था वो भी निकाल दिया है। अब हम इसको काटेंगे, बीच से ऐसे काटेंगे। और बीच में ये भरेंगे, ये जो हमने खोया बनाया हुआ। बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे ना, तो जो इसका बाहर का आउटर स्किन है वो टूट सकती है, तो हम ऐसे भरेंगे एंड इसको ऐसे ही हम बाकियों में भी कट करके इनको भर देंगे। अब आप देखिए, ये मैंने स्टफिंग कर दी है। नाउ ये चमचम जो है इट्स रेडी। आप इसे चाहे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के खा लीजिए, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये रेसिपी ऑफ चमचम पसंद आई हो। इन केस यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक यू एंड कीप लविंग। बाय बाय।